सियासी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और महिलाएं खुलकर सामने आ गई हैं और महिलाओं का कहना है कि सीबीआई जांच कराओ नहीं तो मर जाएंगे। जी हाँ, सीबीआई जांच को लेकर लगातार कठुआ कांड को लेकर तूल फंस रहा है और ऐसे में सीबीआई जांच कराती है नहीं कराती है, महबूबा मुफ्ती उनके हाथ में फैसला है। लेकिन जिस तरह से वहां के निवासी इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं वो महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है और ऐसे में उन्हें कठुआ कांड की जांच सीबीआई को देनी पड़ सकती है, क्योंकि एसआईटी की चार्जशीट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे सवाल है जो संदेहों के घेरे में आ रहे हैं, शक के दायरे में आ रहे हैं, तो ऐसे में एसआईटी को भी कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि एसआईटी अपनी तरफ से ये पक्ष रख रही है कि हमने जो जांच की है वगैरह बहुत बेहतरीन ढंग से की है, बहुत फूक फूक कर कदम रखा है, बहुत बारीकी से इस केस की जांच की है। और लेकिन ऐसे में जिस तरह से वहां के निवासी है अब सीबीआई जांच को लेकर सामने उतर आए हैं, अब ऐसे में मुफ्ती सरकार के लिए मुश्किलें तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और कठुआ कांड उनके लिए हार का सबब भी बन सकता है। अगर जब आने वाले जब अगले जम्मू में जब चुनाव होंगे विधानसभा के और लोकसभा अगले साल ही है, तो ऐसे में सोचिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं महबूबा मुफ्ती की। चलिए आपको खबर दिखाती हूँ फटाफट की खबर क्या है। कठुआ मामले की सीबीआई जांच को लेकर 27 दिन से आम अनशन पर बैठी महिलाओं और हिंदू एकता मंच ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कूटा के पास वित्त और शिक्षा मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के काफिले को काले झंडे दिखाए। हाईवे किनारे खड़े लोगों ने राज्य सरकार पर असाना मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वित्त मंत्री लखनपुर टोल प्लाजा में कामकाज का जायजा लेने पहुंचे थे और लोगों ने पहले से ही जम्मू से लखनपुर की ओर जाते और फिर जम्मू की ओर लौटते समय मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। हिंदू एकता मंच के सदस्य राज खजूरिया ने आरोप लगाया है कि कश्मीरी हुक्मरान जम्मू संभाग के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और पीडीपी खासकर महबूबा मुफ्ती का एजेंडा शुरू से ही जम्मू विरोधी है और उसी एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। लोग सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे और लोगों के आक्रोश के चलते हाईवे से बदलते रहे कई माननीयों यानी मंत्री महोदयों के रूट। रासना मामले में सीबीआई जांच की मांग पूरी न किए जाने पर मंत्रियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें रूट बदलकर ओल्ड सांबा कठुआ रूट से आने जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हिंदू एकता मंच के बैनर तले 31 मार्च से लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के दियालाचक में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। उनके रूट भी कई बार बदले जा चुके हैं और कठुआ में सुलभ शौचालय के उद्घाटन के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी रूट बदलकर ओल्ड सांबा कठुआ रूट से वापस ले जाया गया था और पीएचई मंत्री श्यामलाल चौधरी के काफिले को भी कूटा मोड़ पर काले झंडे दिखाए गए थे। तस्वीर दिखाती हूँ आपको और ये देख सकते हैं आप, सीबीआई जांच हो, महिलाएं बैठी हुई हैं और उनका बकायदा ये कहना है और ये नीचे पुरुष बैठे हुए हैं। आम अनशन चल रहा है इनका 27 दिन से और महिलाएं क्या पुरुष क्या सब मांग कर रहे हैं और हिंदू एकता मंच का नाम सामने आया है और हिंदू एकता मंच के बैनर तले ये यहाँ पर हाईवे पर हल्ला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ और लेकर बैठे हैं कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच कराओ। इसके आगे आपको दिखाते हैं एक और खबर। कठुआ कांड सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग किया कैंडल मार्च। कठुआ कांड जिले के रसाना हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर देर शाम सांबा मानसर मार्ग पर नट ब्लॉक में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग उठाई है। उस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के अलावा बच्चे और कई गाँव के लोग शामिल हुए थे और ऐसे में समाज सेवक लबलू सम्याल, मोहेंद्र मनकोटिया, साहिल गुप्ता, नीरज डोगरा, सोनू की अगुवाई में ये कैंडल मार्च सदियाली से शुरू हुआ और नड में आकर खत्म हुआ और हाथों में बच्चों के सही कातिलों को सजा देने और सीबीआई जांच के बैनर तले लेकर चल रहे छोटे बच्चों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग उठाई। और इस मौके पर बोलते हुए समाज सेवक लबलू सम्याल और मोहेंद्र मनकोटिया ने कहा कि सरकार एक वर्ग को प्रताड़ित करके अपना तानाशाही चला रही है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। ये है सीबीआई को लेकर। अब वहाँ पर अभी तक जहाँ आरोपी मांग कर रहे थे, बीसीआई मांग कर रही थी, लाल सिंह मांग कर रहे थे, अब वहाँ पर चौथा फैक्टर जुड़ गया, निवासी, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, पुरुष सब एक साथ जुट होकर कह रहे हैं कि धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक बहुसंख्यक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में मामले को सांप्रदायिक रंग देना कहाँ तक सही है। और ऐसे सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब स्थानीय निवासी तक सीबीआई जांच की मांग को लेकर
सामने आ रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई जिसमें 27 दिन से महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं और पुरुष भी उनका बकायदा साथ दे रहे हैं। सोचिए सीबीआई जांच को लेकर किस तरह से तूल गरमा रहा है। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि एसआईटी की जांच में कुछ तो खामी है या इस केस के पीछे कुछ तो ऐसा सच है जिसकी अभी भी पर्दादारी है? क्या आपको नहीं लगता? दर्शकों, आप लगातार कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट देखते ही रहते होंगे हमारे चैनल पे, और ऐसे में क्या आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई अब इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे प्रोग्राम पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सीबीआई जांच को लेकर जिस तरह से अभी दावपेच चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, लोगों का साफ साफ कहना है कि वो जम्मू के खिलाफ रही हैं हमेशा ही, और हमेशा ही धर्म विशेष को लेकर हमेशा उनकी राय अलग ही रही है। जैसा कि वहाँ पे आरोप लगाया है जो वहाँ पे लाल जी का नाम है सेवक लबलू सामयाल, इन्होंने कहा है कि आज बच्चा बच्चा यही मांग कर रहा है कि रसाला केस में सीबीआई जांच करवाई जाए, लेकिन इस सरकार ने डर की वजह से कार्रवाई नहीं की है। अब डर कौन सा है ये नहीं पता। उन्होंने कहा है कि महबूबा सरकार ने सच को छिपाने का काम किया, जिसके चलते भाजपा कोटे के दो मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसका कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने सच का साथ देने के लिए सीबीआई जांच की मांग को उठाया था। उन्होंने कहा आंदोलन अब गाँव गाँव तक पहुंच गया है, और जब तक क्राइम ब्रांच की प्रताड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी चुप नहीं बैठेगा। और लबलू ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन अगर सीबीआई जांच हो गई तो ये सब लोग ही इससे पूरी तरह से फंस जाएंगे। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है साफ साफ कि बच्चा बच्चा यही मांग कर रहा है सीबीआई जांच कराई जाए, और उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती जो उनकी जो सरकार है वो डर रही है कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग को नहीं स्वीकार कर रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि एक धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्राइम ब्रांच ने एक मनगढ़ंत यानी कॉक एंड बुल स्टोरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी को, कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, और क्राइम ब्रांच पर आरोप लगाया है वहाँ के लोगों ने। और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इस केस की जांच अब सीबीआई को दी जाए, और जब तक सीबीआई जांच नहीं दी जाती तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। यानी कि आप खुद सोचिए किस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर तूल जो है लगातार फंस रहा है, महबूबा मुफ्ती लगातार घेरी जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से सीबीआई को लेकर अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आ रहा है। कानून मंत्री कहते हैं कि जांच बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अब महबूबा मुफ्ती शांत क्यों है? उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर सीबीआई जांच वो क्यों नहीं चाहती है। एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं तब वो नहीं बोल रही हैं। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर वो चाहती क्या है? उन्हें खुलकर मीडिया के सामने बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार घेरी जा रही है। उन्हें लोगों के सवालों का जवाब देना ही होगा कि आखिर महबूबा मुफ्ती क्या चाहती हैं, क्या वो चाहती हैं सीबीआई जांच, और आखिर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार डर की वजह से सीबीआई जांच नहीं दे रही है, जो दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दिया था, सीबीआई जांच की मांग की थी, इसलिए उनको हटा दिया गया मंत्री पद से, यहाँ पे ये बात सामने आ रही है। अब ऐसे में क्या असल सच है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो पूरा कठुआ कांड को हमने एनालाइज किया है उसके अनुसार तो यही लगता है कि एसआईटी में कुछ तो खामियां हैं, और ऐसे में अगर सीबीआई जांच अगर इस मामले की दे दी जाती है तो उसमें मुश्किल क्या है, उसमें मुश्किलात क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर महबूबा मुफ्ती अगर इतनी ही पाक साफ शासन वाली मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, क्योंकि अब तो वहां पर जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी साफ साफ मांग है कि आप दीजिए सीबीआई को जांच, और इससे कहीं ना कहीं उन पर बहुत असर पड़ सकता है, वोट बैंक उनका प्रभावित हो सकता है, उनके शासन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के लिए अगर सियासी तरीके से देखा जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, और ऐसे में महबूबा मुफ्ती को कुछ ना कुछ एक्शन अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए आने वाले दिनों में। दो मंत्रियों का इस्तीफा तो दिला दिया उन्होंने, लेकिन जो एसआईटी के अफसर हैं, जो कई अफसर हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, कई अफसरों पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। उसमें से एक खुर्जा का सदस्य बताया जाता है, बहुत से सवाल है, बहुत से अनगिनत बातें हैं, लेकिन ऐसे में अब मुफ्ती सरकार को खामोश रहना बहुत भारी पड़ सकता है। उन्हें जवाब देना होगा कि आप वो सीबीआई जांच कराएंगी या नहीं, या फिर वो चाहती है कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाए घाटी में, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग को नर्क बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे माहौल कठुआ को लेकर अभी माहौल गरमाया हुआ है, वो हमारे देश का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इस वक्त कठुआ को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर वैसे ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है वैश्विक स्तर पर भी और देश के लिए भी, और ऐसे में वहाँ पर कठुआ कांड की घटना ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है वैश्विक धरातल पर।
सोचिए जरा, महबूबा मुफ्ती को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं कराना चाहती हैं तो सफाई दें, और कराना चाहती हैं तो बताएं कि आखिर क्यों नहीं कराना चाहती हैं। क्योंकि यहाँ पर अब लोगों का हुजूम साफ आ रहा है, और देखा है आपने जब जब लोगों ने मांग की है और लोगों ने प्रदर्शन किया है, तब सरकार को झुकना ही पड़ा है। देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती अब क्या एक्शन लेती है। नमस्कार।